ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मीमांसा दर्शन की 208वीं कक्षा, मीमांसा दर्शन के तृतीय अध्याय का 8वां पाठ चल रहा है और इसमें हमने पिछली कक्षा में 12वें अधिकरण तक 24वें सूत्र तक देखा था। पीछे पृष्ठ संख्या 1129, सूत्र संख्या 21, तो इसमें भी प्रतिषेधे करणः इसको बोलते हुए करण होता का ऐसा मेरे से जो बोला गया वो ठीक नहीं। नीचे भाष्य में जैसा लिखा है ये अध्वर्यु का करण मंत्र है और आगे भी पूरे भाष्य में उसी तरह से आया है। किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। पृष्ठ संख्या 1000 अष्टाविंशति उत्तर 100 1128 यो होता सो अध्वर्यु एवं मात्र किमर्थम विधानम भवति यो होता सो अध्वर्यु पूर्वम अध्वर्यो मंत्रम मिहित्य पुनः होता कृते तत् निर्देश अस्य किम प्रयोग। इसमें अध्वर्यु को प्रतिपस्थाता का कर्म करना होता है, विशेष विधान है, तो इसलिए अध्वर्यु वाला काम छूट जाता है, उसको कौन करे, तो जो होता होता है वो अध्वर्यु होता है। अब ये तो विशेष कर्मकांड में वहाँ की पूरी स्थिति के अनुसार कुछ कारण तो रहा होगा तभी ऐसा उल्लेख किया, वो विस्तार यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये विधान है वहाँ पर, यो होता सो अध्वर्यु हो। अत्रैव तृतीयायां पंक्ति तत्र ऋत्विक समासः आम्नातः तत्र इति यत्र अध्वर्योः कार्यान्तर व्यासक्त भवति तत्रैव भवति वा उत तस्मिन् प्रकरणे सर्वत्रैव यह होता स अध्वर्यो। कुंडपाई ना मैंने इसी में, अब अलग से तो कुछ यहाँ कहा नहीं है इन्होंने, इनसे संबंधित होगा ये स्पष्ट नहीं है, पूरे सब कर्मों के लिए होगा या केवल इस कर्म के लिए, अधिक संभावना तो इसी कर्म के लिए है, गिने चुने कर्मों के लिए, बाकी तो कार्य अधूरी करना अधूरी को करने होते होंगे। अग्रिमे पृष्ठ विवरणे यद लिखितमस्ति करण शब्दस्य व्याख्या अन्यत्तु क्रियमाण अनुवादी वयो मध्य भेदो न प्रतीयते। हाँ, करण मंत्र तो वो होते हैं जो मंत्र बोल करके फिर कर्म किया जाता है, यानी मंत्र कर्म के स्मारक होते हैं, इसलिए कर्म मंत्र पूर्वक किए जाते हैं। एक तो ये हो गया, अनुमंत्रण वाला जो हो गया उसके बाद में कर्म हो गया या कर्म क्रियमाण हो रहा है उसके बाद में कर्म के अनुसार जो मंत्र बोले जाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ये विचारने की बात है कि कर्म के अनुसार मंत्र है या मंत्र के अनुसार कर्म है। वैसे तो कर्म जो होता है उसका उल्लेख जिस मंत्र में होता है उसका किया जाता है, लेकिन ये करण मंत्र पहले बोला जाता है, अनुमंत्रण बाद में बोला जाता है। यदा कर्म भवति तदानीम उच्चारणम भवति वा पूर्वम उच्चारणम पश्चात कर्म। हाँ, उस समय उसके बाद में दोनों हो सकते हैं, स्पष्टता नहीं है। हिंदी तो क्रियमाण जो है ना, इसमें शब्द तो क्या है इनका, क्रियमाण जो कर्म किया जा रहा है, क्रियमाणानुवादी किया जा रहा है उस कर्म का अनुवाद करने वाला। करण विषय अपि तथैव लिखितमस्ति। नहीं, करण के विषय में तो ये नहीं कहा है। अंतिमा पंक्ति देखो, इसमें जो है क्रियते कर्म अनेन इति करणा, जिस मंत्र को बोलकर कर्म किया जाता है, मंत्र के द्वारा कर्म किया जा रहा है, उस कर्म का फिर अनुवाद दूसरे मंत्र में किया जा रहा है, वो बाद में होगा, वह मंत्र कर्म मंत्र कहलाता है, कहता है, जिस मंत्र को बोलकर कर्म किया जाता है वह मंत्र कर्म मंत्र कहता है। तो मंत्र बोल करके फिर कर्म किया जा रहा है, तो अनुमंत्रण जो है क्रियमाणानुवादी
कर्म किया जा रहा है उसके अनुरूप फिर उसका कथन उसके बाद में काल के दृष्टि से बाद में होना चाहिए। पूर्वम कर्म तत्पश्चात मंत्र, हाँ यह तो होते हुए प्रारंभ हो गया, कुछ बीच में भी हो सकता है, लेकिन मंत्रों की दृष्टि से कर्ण मंत्र पहले बोला जाएगा। और कर्म न भवति पूर्वम केवल मंत्र पाठ भवति, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, मंत्रों के बीच में अगर काल की दृष्टि से देखें तो वो कर्म के बिल्कुल पहले उसके साथ साथ थोड़ा हो सकता है वैसा, लेकिन पहले कर्ण मंत्र होगा और फिर क्रियमाणानुवादी होगा। अत्रैव विवरणे अस्मिन्नेव पृष्ठे अधस्तात् तृतीया पंक्ति, इसमें सोम का पान चम्मच के स्थान में कुंडों से किया जाता है, तो कुंडों से चम्मचस्य पानम कथम भवति। कुंड पायिनामयन जो है ना, तो ये चम्मच और कुंड वैसे तो आकार एक ही जैसा होता है, लेकिन चम्मच में डंडा भी साथ में होता है और कुंड में चम्मच साथ में नहीं, वो डंडा साथ में नहीं होता है, कुंड और चम्मच में ये भेद होगा। चित्रों में भी आप देख सकते हैं, आयताकार होता है ना ये, कुंड का अलग से चित्र इसमें को दिखानी, चम्मच का तो जैसे ये वाला है, ये चम्मच का तो आयताकार चौकोर जैसा आयताकार गड्ढा और नीचे से थोड़ा सकड़ा ऊपर से चौड़ा, ये थोड़ा रहता है और उसमें हत्था रहता है, तो हत्था रहेगा तो उसको हम कहेंगे चम्मच, और हत्ते रहित जो चम्मच होगा या यूं वो पात्र होगा उसको कहेंगे कुंड, इतना ही अंतर है बस। अग्रे एक मिनट, कुंडपाई नाम आयन जो नाम दिया ना, तो इससे कुंड के आधार पर भी है, और परंजपे जी ने बताया था कि किसी ऋषि का नाम भी है, ऋषि के नाम से ये नाम रखा गया है, ये भी उन्होंने बताया था। द्वात्रिंशत् पृष्ठ संख्या, द्वाविंशतितम सूत्रस्य द्वितीया पंक्ति, न संभवति प्रैषे प्राप्त कालता न्याय। तत्र प्रश्न एवं कथम, तत्र तो सूत्रानुसारी तो तथा न भवति, व्याकरणे कुत्रापि पूर्वं पठितमस्ति प्रैष पश्चात अतिसर्ग पश्चात प्राप्त काल इति क्रमेण भविष्यति, पूर्वं न भविष्यति चेत् पश्चात भविष्यति, एवं तो नियम न भवति, विकल्प एव भवति। वहाँ व्याकरण में इस विषय में कुछ नहीं कहा गया, वहाँ सामान्य नियम है, लेकिन ये वाक्य रचना में इनको इन्होंने जो ये तात्पर्य दिया है, और वहाँ पर भी हम कह सकते हैं, वहाँ भले ही वो चीज़ स्पष्टता इतनी सूक्ष्मता से नहीं आ पाई है व्याकरण में, लेकिन प्रयश संभव है तो प्राप्त कालता उचित नहीं है इन वाक्यों की, यानी ये जो लोट लकार है या तो कृत्य प्रत्यय है, इनमें पहला अर्थ जो लिया जाएगा वो प्रयश लिया जाएगा। विधि निमंत्रण सूत्र तो एवं न भवति, विधि निमंत्रण आमंत्रण अधिष्ट संप्रश्न प्रार्थना, उसमें भी प्रथम तो हम विधि ही लेते हैं ना, नहीं प्रार्थना अर्थ भी विधि अर्थ न भविष्यति चेत प्रार्थना एवं न भवति। हाँ जब मान लो वो प्रार्थना आदि कोई, जैसे वहां उदाहरण आता है कि बच्चे का पिता गुरु से निवेदन करता है कि आप मेरे बच्चे को पढ़ाएं, अब ये विधि वैसी वाली विधि नहीं है,
प्रार्थना की जा रही है, स्थिति को देख करके निर्णय होता है कि यहां पर कौन सा अर्थ निकलेगा। लेकिन प्रथम अर्थ, हालांकि इस विषय में यहां आया नहीं है, एक मैं ऊहा करके ही बता रहा हूं कि संभावना है, और हम व्यवहार में विधिलिंग नाम ही उसका विधिलिंग रखा हुआ है, या तो विद्यादि लिंग बोलते हैं, चलो विधि पहले आ गई है, लेकिन लिंग लकार आता है तो पहला अर्थ हम विधि का ही लेते हैं। वहां पर निमंत्रण, आमंत्रण, अतिष्ठ, संप्रश्न, प्रार्थना, ये तो बहुत कम प्रयोग किए जाते हैं, और विधि नहीं होती है तो फिर वहां जाते हैं, विधि संगत नहीं लग रही है। तो इसी तरह प्रायश को ही प्रथम मानना चाहिए, एक संकेत मिल रहा है ना इससे हमें, भाषा का जैसा प्रयोग होता रहा होगा इसी बात का तो संकेत कर रहा है। भवता गंतव्यम, जब बोले आपको जाना चाहिए तो इसमें पहला अर्थ क्या आएगा, प्रायश आएगा, प्रेरित कर रहा है उसको, आपको जाना चाहिए। अतिसर्ग और प्राप्त काल, ये बात क्या अंदर आएंगे, प्रसंगानुसार लगेंगे, प्रायश नहीं घट रहा है तो ये घटेंगे, ये तात्पर्य लेना चाहिए। बहुत जगह ऐसा लगेगा, पीछे भी कुछ जगह आया, आगे भी आपको ऐसा लगेगा। यहां मीमांसा एक नई बात कह रहा है, जो बात व्याकरण में हमारे को कहीं पढ़ने को नहीं मिलती, महाभाष्य में भी नहीं मिलती है, ऐसी कुछ बातें लगती हैं और लगता है कि हाँ ठीक है, ये भी एक दृष्टि और ऐसा होना चाहिए, और ऐसा व्यवहार में देखा जाता है। ये तो वाक्य के आधार पर कर रहे हैं ना, अर्थबोध को देख रहे हैं, जब इसका प्रयोग किया जाता है तो अर्थबोध क्या होना चाहिए। अभी बलाबल की दृष्टि से देख लिया ना, पहले ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, निर्णायक हो गया। अब वहां ऐसा कोई विषय था नहीं व्याकरण में, ठीक है, चाहे इन तीनों में से इन इन अर्थों में होता है ये, कि सामान्य सूचना हो गई। प्रायश अतिसर्ग प्राप्त काल में ये लोट या कृत्य प्रत्यय होते हैं, एक सामान्य सूचना हो गई। अब उनको ये तो ना देखना है कि इस वाक्य में कौन सा अर्थ लिया जाएगा, ये उनका विषय ही नहीं है। शब्द या प्रत्यय किस अर्थ को दे रहा है वो उनका बताने का, शब्द उनका विषय है, वाक्य उनका विषय ही नहीं है, इसलिए ये बातें वहां पर उभर करके नहीं आई हुई हैं, प्रकट नहीं की गई है। नुमुल त्रिचो भवता, नुमुल असंभव है, त्रिच भवति एवं तो न होती नहीं, ये वो तो इसकी तो अभी ये तो संकेत कहीं मिलना चाहिए ना अपने को, अगर ऐसा संकेत मिलता है तो ले सकते हैं, वो तो ऐसा संकेत मिलता हो तो ले सकते हैं। वहां तो प्रत्यय का कहा है, ये दो प्रत्यय होते हैं, और नूल त्रिचौ में अब ठीक है, नूल को पहले लिखा उन्होंने, क्यों कर लिखा, प्रधानता थी, अधिक प्रयोग होता था, उसमें अधिक बल आता था, ये तो अपन अभी ऐसे नहीं कह सकते, तो भाषा के आधार पर ही निर्णय होगा। चतुस्त्रिंशत् पृष्ठ संख्या द्वितीय पंक्ति, एक मिनट रुकिए, 34 द्वितीय पंक्ति, हाँ। एवं अध्वर्युणा प्रायशः प्रायशार्थश्च उभौ अपि कृतौ भविष्यत्, उभौ कथम कृतौ भविष्यत् इति न जाने, हाँ, क्योंकि जो कारित होता है ना, कृत और कारित, कृत और कारित, तो जब हम कहेंगे कि ये कर्म कर्म अध्वर्यव है, तो उसमें यदि अध्वर्यु केवल करता है, कार्य कर रहा है, प्रेश नहीं दे रहा है, प्रेशार्थकारी है केवल, तो वो कर्म अध्वर्य व पूरा नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि केवल प्रेश देता है तो प्रेशार्थकारी न होते हुए भी वो कर्म अध्वर्य व कहलाया जा सकता है। जैसे योग दर्शन में हिंसा आदि के लिए जो कहा, कृत कारित और अनुमोदित, तो जिस समय दोनों हो, एक कारित भी हो, करवाने वाला हो, और एक करने वाला हो, तो जिसने किया है, जिसने केवल किया है, तो उस कर्म को उसका मुख्य रूप से नहीं कहा जाता। लेकिन अगर जिसने करवाया है, तो भले ही उसने हिंसा नहीं की हो, तो भी वो दोनों उसके माने जाएंगे, करवाने वाले की मुख्यता मानी जाएगी करने वाले की बजाय। हत्या कर करवाने वाला, तो जिसने पैसे दे के हत्या करवाई है, तो प्रेरणा देना वो तो उसका है ही,
और हत्या भी उसी के मत्थे आएगी, क्योंकि प्रयोजक करता है वो। और उल्टा कर दो, वो अगर केवल हत्या करता है, कहता नहीं है, तो वो पूरा का पूरा कर्म उसके द्वारा किया हुआ नहीं माना जाएगा। प्रयोजक कर्ता के द्वारा प्रेरणा और कर्म दोनों उसके खाते में चली जाएंगी, उसके द्वारा ही कही जा सकती हैं। लेकिन अगर किया है तो प्रेरणा उसके द्वारा नहीं कही जा सकती, वो कर्म उसका नहीं कहा जाएगा, प्रेरणा देने वाला वो मुख्य हो जाता है। उस बात की तरफ संकेत है ये, उसको हम देख सकते हैं। यानी कभी हमें व्यवहार में बलाबल देखना हो, दंड किसको अधिक दे, करने वाला और करवाने वाला। आजकल के न्यायालयों में क्या चलता है ये तो मेरे को नहीं पता। हत्या चोरी करवाने वाला, और आप हमारे प्रति देखिए, यदि हमारे को हमारी कोई हानि करवाता है और किसी को पैसे दे के उसने हमारी हानि कर दी, करवा ली, तो हमारा गुस्सा किस पे अधिक होगा, करने वाले पे या करवाने वाले पे? करवाने वाले पे। महर्षि दयानंद को मान लो विष दिला दिया, तो विष देने वाला अधिक हमारे मन में बुरा लगता है या दिलवाया उसने, करवाने वाले का ही मन में आता है? क्योंकि प्रयोजक तो वही है, प्रेरक तो वही है, नहीं तो वो दूसरा अपने आप नहीं करने वाला था। सूत्रधार वो है, मुख्य वो हो गया, भले ही उसने नहीं किया हो। उस शैली से इसको देख सकते हैं। हम कर्मफल के प्रसंग में भी फिर इस चीज को देख सकते हैं। बात तो उचित ही है ये, उस तरह से ध्यान नहीं जाता है। कृतकारित और अनुमोदित, इसमें सबसे अधिक कौन सा कहलाएगा? यदि यदि खुद ने ही किया है, दूसरा कोई प्रेरणा देने वाला नहीं है, तब तो खैर उसी का ही दायित्व बनेगा। लेकिन जहां दो हों अथवा तीन हों, तीनों हों, अनुमोदन करने वाला भी हो, तो किसके प्रति हमारा ज्यादा आएगा, मुख्य उसमें कौन माना जाता है? मास्टरमाइंड जो बोलते हैं आजकल ना, प्रेरित, वो सारी योजना बनाने वाला, इसका मास्टरमाइंड कौन है? ये जो आतंकवादी घटनाएं होती हैं, कुछ तो उस घटना को अंजाम देते हैं आकर के, लेकिन वो सारी योजना जो बनाने वाला है सूत्रधार, और वही बड़ा माना जाता है, बड़ा आतंकवादी वही माना जाता है। आचार्य जी, प्रश्न संख्या 1129 पर भाष्य की अंतिम पंक्ति के अंत से, द्वौ तत्र समवायौ होतुश्चोदकेन होत्रेषु प्रत्यक्ष श्रवणेन आध्वर्योषु, ये पंक्ति जी स्पष्ट नहीं हो रही थी। होत्रेषु मतलब होत्र कर्मों में, होतु होता का कर्म प्राप्त हो रहा है, होत्र जो कर्म है वो होता के प्राप्त हो रहे हैं, किससे? चोतक वचन से, प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अतिदेश से। और अध्वर्य कर्मों में होता की प्राप्ति कैसे हो रही है? प्रत्यक्ष वचन से। होता को दोनों तरह के कर्म प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है, उसमें होत्र कर्म भी प्राप्त हो रहे हैं और अध्वर्य भी प्राप्त हो रहे हैं। इन दोनों की प्राप्ति किस आधार पर हो रही है? तो होता की तो वो होता है ही, अतिदेश से प्राप्त हो रहे हैं, वहां भी उस होता अपने कर्मों को करता है, होत्र कर्मों को यहां भी करेगा। प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अतिदेश से, ये अनुमान हो गया, मतलब परोक्ष कथन हुआ, सामान्य कथन हुआ। और अध्वर्यु का कर्म इस होता को करना है, ये यहां पर प्रत्यक्ष वचन से आ रहा है, यो होता सो अध्वर्यु इति, इस वचन से आ रहा है, ये प्रत्यक्ष वचन है। अब इसमें बलाबल देख लेते हैं, ये जो वचन है यो होता सो अध्वर्यु, इसको चोदक वचन नहीं कहेंगे? इसको मतलब इस पर चोदक वचन नहीं लगेगा? नहीं, इसको क्यों, ये क्यों लगेगा? प्रकृतिवत विकृति कर्तव्य अतिदेश से, तो अध्वर्यु के अध्वर्य को अध्वर्यु करेगा, होत्र को होता करेगा,
प्रकृति में तो ऐसा ही होता है ना, अध्वर्यु के कर्म वो अध्वर्यु को अध्वर्यु करेगा, तो वहां उससे अतिरिक्त ये विशेष कथन हो गया ना, ये प्रत्यक्ष कथन हो गया कि नहीं यहां ऐसा होगा, वो सामान्य होने से अनुमानिक हुआ, सामान्य तो दृश्य होगा कि ऐसा ऐसा होता है, खासतौर से इसके लिए थोड़ा ना कहा है, सबके लिए कहा है वो तो। चले आगे देखिए पृष्ठ संख्या 1135 अधिकरण संख्या 23 मीमांसा दर्शन तृतीय अध्याय अष्टम पाद, शीर्षक है करण मंत्रेषु स्वामी फलस्य आशासितव्यताधिकरणम्। पीछे जो करण मंत्र हैं यानी कर्म को करने के लिए जो मंत्र बोला जाता है उसमें स्वामी के फल की आशा, उसका कथन ये अधिकरण में सिद्ध किया जाएगा। उन मंत्रों में स्वामी के अतिरिक्त की, अन्य की यानी अध्वर्यु के लिए वहां पर संदेह पैदा हो रहा है, ऋत्विक के लिए कि ऋत्विक को शायद इसका फल मिलेगा, तो वो ऋत्विक को नहीं मिल करके वो यजमान के ही फल की कामना की गई है, ऐसा ये सिद्ध करेंगे। भाष्य देखिए दर्शपूर्ण मास हो आमनंती, दर्शपूर्ण मास में ये वचन मिल रहा है, ममाग्ने वर्चो विहवेशु अस्तु इति पूर्वम अग्निम गृह्णाति। ये जो वचन है मम अग्ने वर्चो विहवेशु अस्तु, यहां पर आशा प्रार्थना की जा रही है मेरा ऐसा हो जावे, तो ऋत्विक बोल रहा है हे अग्ने मेरे लिए विहवों में यज्ञादि में वर्चो अस्तु तेजस्विता हो, मैं जीत सकूं, मैं सबसे बढ़ चढ़ करके दिख सकूं, ऐसा हो। इति पूर्वम अग्निम गृह्णाति, ऐसा करके वो पूर्व दिन में अग्नि का ग्रहण करता है, उसको जलाता है, समिंधन करता है, उसको बढ़ाता है, ये वचन बोल करके। अब यहां जो ये वर्चक की कामना की गई है ये किसके लिए की गई है, इसको बोलने वाला तो ऋत्विक है मम कहते हुए, तो प्रथम दृष्टया क्या आएगा कि ऋत्विक के लिए ही होगी क्योंकि वो मम बोल रहा है, मम का मतलब बोलने वाला मेरे लिए। तो तत्र संदेह किम ऋत्विक फलम आशासितव्यम, ऋत्विक के फल की यहां पर कामना की जा रही है कि जानी चाहिए अग्ने वर्चो विहवेशु वस्तु इति उत यजमानस्य इति अथवा यजमान की है किम प्राप्तम। पूर्व पक्षी कहता है ऋत्विक फलम करणेशु अर्थवत्वात्, बोले इन करण मंत्रों में ऋत्विक का फल होना चाहिए, क्यों अर्थवत्पात अर्थवान होने से ऐसा ही अर्थ निकल करके आता है, मम इस शब्द के ऊपर केंद्रित है ये, इसका यही अर्थ निकल के आता है। भाष्य अध्वर्यो एव इति, केवल अध्वर्यु को होगा, कुतः एवं श्रुति राद्रिता भविष्यति, इससे श्रुति का आदर होगा यानी श्रुति को हम जुगा तू मानेंगे, इतरथा लक्षणा स्यात्, नहीं तो लक्षणा करनी पड़ेगी, कैसे आत्मना यजमानम लक्ष्य, ये जो आत्मना आत्म शब्द के द्वारा यानी मम शब्द के द्वारा वहां पर यजमान को लक्षित किया जाएगा, अभिधा से न होकर के परोक्ष अर्थ लक्षित वहां पर करना पड़ेगा, तो श्रुति आदृत नहीं होगी वहां पर, गौरव होगा। तस्मात ऋत्विक फलम आशासितव्यम, म के आगे आ की मात्रा, ऋत्विक फलम आशासितव्यम इति, ऋत्विक फल की आशा कामना समझनी चाहिए। को अर्थ, तो इसका तात्पर्य क्या होगा, बोले अनया समिधा धार्यमाणे अग्नौ यागा संभविष्यति। अनया समिधा, ये समिधा तृतीय एक वचन है, समित शब्द का तृतीय एक वचन, इस समित के द्वारा, इस समिधा के द्वारा, वैसे हम सामान्यतः समिधा शब्द बोलते हैं वो एक अलग है, लेकिन वैसे समित शब्द है, समित समित, तो ये समिधा तृतीय एक वचन है, तो अनया समिधा धार्यमाणे अग्नौ, अग्नि के धार्यमाण होने पर याग संभविष्यति, याग संभव होगा, याग हो पाएगा। तत्र विहवेशु स्पर्धा स्थलेशु अहम वर्चसी वर्चस्वी भविष्यामि, इन विहवों में, इस विहव को यहां पर इन्होंने कहा स्पर्धा के जो स्थान है, तो युद्ध को भी विहव बदलते हैं, वहां भी स्पर्धा होती है, जय पराजय खूब संघर्ष होता है, अन्य भी जगह पर हो सकता है, तो ये यज्ञ को भी यहां पर विहव कहा गया, ये भी स्पर्धा स्थल की तरह से है, मैं वर्चस्मी हो जाऊंगा इति अध्वर्योर वचनम, ये अध्वर्यु का वचन है, एवं उत्साही भविष्यति, इससे वो उत्साही होता है, मैं पहले करता हूं, मेरी अग्नि का होगा, मेरा ये बढ़े, इससे वर्चस्वी होता है।
जब सोमयाग में अग्नि अग्नि मंथन से अरणि मंथन से जब वो निकालते हैं तो अपने आप में जैसे ही अग्नि आ जाती है तो बहुत अच्छा होता है। हाँ, और जिसने जल्दी निकाल दी वो श्रेष्ठ माना जाता है, जिसको देर लगती है उसको देखो वहाँ पर जो करते हैं करते हैं, फिर होता है फिर नहीं होता है किसी से, तो जिससे नहीं होता है वो उदास आकर के बैठता है ना, जिससे पराजित हो गया हो, हुआ ही नहीं मेरे से, खूब बल लगाते हैं और फिर उनको पता रहता है कौन कर पाता है अच्छा, कि जब सामान्यों से नहीं हो पाता तो फिर उनको बोला अच्छा उनको बुलाओ आप, वो उसके लिए प्रशंसा की बात होती है कि देखो उसके आने से ये हो पा रहा है, एक कौशल है, वो केवल ताकत ही नहीं है, ताकत भी है अभ्यास है कौशल भी है कि ठीक ढंग से वो करता है, ठीक दबाव देता है, ठीक चलाता है, तो इधर उधर हिल जाता है तो वो फिर उसकी पहले की जो ताकत है पहले जो गर्म हुआ है वो व्यर्थ जैसा हो जाता है, इसलिए वहां पर वो भी एक तरह का स्पर्धा स्थल होता है। हाँ, शांति धामे अस्माभि दृष्टः यजमान एव करोति। हाँ, तो यजमान भी करता होगा, यजमान पत्नी धारयति और यजमान स्वयं करोति मंथनम। ठीक है, वो भी करते हैं, शुरुआत में उन्हीं से करवाते हैं, फिर उनसे नहीं होता है तो फिर औरों से करवाते हैं, ऋत्विक आ जाते हैं फिर वो उसके लिए क्रीत हैं। और नरनौल में भी हुआ था, सबसे पहले मैंने अग्नि मंथन देखा था, उस समय खानपुर में पढ़ते थे हम लोग, उपाचार्य जी भी थे, तो नरनौल में आंध्र प्रदेश के कोई आए थे, एक याग करवाया था वहाँ पर, हाँ सोमयाग था, और पूरी लगाई थी वैसे ही शाला बनाई थी पूरी काष्ठ की, तो जब अग्नि मंथन होने लगा अग्नि मंथन तो वो हुआ नहीं, बहुत बहुत मुश्किल से हुआ, तो उस समय आचार्य जी भी थे, आचार्य प्रद्युम्न जी थे, सिद्धार्थ जी भी थे उस समय, और बहुत पूरा गुरुकुल आया हुआ था, हम लोग जो भी पढ़ते थे सब लोग आए हुए थे, सुमन जी भी थी और भी जो उस समय पढ़ा करते थे, उपाचार्य जी भी थे, सत्यश्रुत जी भी थे, हम सभी थे लगभग वहाँ पर, और खूब पोस्टर लगे हुए थे कि अरणि मंथन से अग्नि पैदा की जाएगी पूरे शहर में, वो एक विचित्र बात होती है नहीं कि कैसे होता है और अपने आप में एक विशेष होता है, तो वहाँ गए थे तो उसमें सब लग लिए थे, सिद्धार्थ जी भी लग लीजिए लग लिए, गुरु जी भी लग लिए थे, सब पसीने पसीने हो गए, कपड़े वपड़े उतार दिए और करने लगे, कपड़े बाधा करते ही इतनी तेजी से करते तो कपड़े वो ये चादर वादर तो उलझती है ना, इधर उधर हो जाती है, फिर ढीली हो जाती है और फिर वो करने में बाधा करती है, उतार उतूर के कटी वस्त्र बांध करके और खूब प्रयास पूर्वक किया गया किसी से नहीं हुआ बाद में बहुत बाद में जा करके हुआ, फिर जब इतना हो गया तो उसके बाद में फिर उन्होंने पुरोहित जी ने कहा कि जरूर कोई ना कोई बाधा है, बोले दान पुण्य करो, तो परिसर था वहीं मंदिर भी था पास में और लकड़ी वकड़ी का काम भी होता था उन्हीं लोगों के द्वारा करवाया गया, ताल वाल भी थी इधर उधर, और वो फिर गए पूजा पाठ करवाई, मंदिर में जाके दान दिया, कड़क कड़क नोट निकाल करके वहाँ चढ़ाए गए, ये किया वो किया, फिर आकर के फिर किया, तो जैसे यहाँ पीछे आया था ना कि कर्म के फल की प्राप्ति में जो बाधा होती है ना, तपस्या उसको दूर करती है, नहीं तो फल मिल नहीं पाता है, वो दीवार की तरह खड़ा बीच में खड़ा हो जाता है, वो कर्म भी किया लेकिन फल नहीं मिल रहा है, तो इसी तरह कर्म करते हुए कहीं सफलता नहीं मिलती है, कुछ ना कुछ बाधक कारण होगा, तो पाप कुछ आड़े आ रहा है, तो उस पाप को हटाने के लिए उसका प्रायश्चित करने के लिए प्रार्थना की गई, ये दान पुण्य किया गया, बोले नहीं तो यज्ञ नहीं होगा, थोड़ा तो खूब गर्मा गर्मी हो, हल्ला सा हो गया, खुसर फुसर बहुत होने लग गई, हो ही नहीं रहा है, हो नहीं रहा है, क्या बात है, कई बार होता है ना कि कोई अच्छा कार्य हो रहा होता है और फिर वो उसमें कुछ चीज़ अटक जाती है, फिर वो सब देखते हैं कि कोई पापात्मा तो यहाँ पर नहीं आ गया है, आसपास में बैठा हुआ है, देखते हैं कोई ऐसा तो नहीं है, फिर किसी किसी को निकाल भी देते हैं वहाँ से कि बोले आप चले जाओ, बोले नहीं केवल यहाँ वही रहेंगे, केवल यानी बाकी सबको, एक को भी निकालना मुश्किल होता है तो लगभग सबको भेज देते हैं, बोले केवल यजमान रहेंगे और पुरोहित पंडित ही रहेंगे, वो रहेंगे, ऐसा करके उनको हटाया जाता है, भाई किसी की छाया इस कर्म को करने में बाधा, देवता लोग नहीं आ रहे हैं वहाँ पर, अग्नि देवता नहीं आ रहा है इस दुष्ट की उपस्थिति में, पुण्य पुण्य लोगों के बीच में आएंगे देवता लोग, तो ऐसा कुछ मान करके वो किया जाता है, और फिर यजमान का भी हो सकता है पाप, भाई कुछ ना कुछ भावना में दोष हो गया हो, पाप हो,
तो उसकी निवृत्ति के लिए भी सफलता क्यों नहीं मिल रही है, तो उसके लिए किया जाता है, तो कठिन होता है। तो ये विहवेशु स्पर्धा स्थल जैसा वो हो जाता है, सब याद करते हैं कि किसने किया किसने किया, और फिर अंत में जिससे हो जाता है वो ऐसे उठता है जैसे कि एकदम कोई युद्ध में विजयी हो करके उठा हो कोई व्यक्ति, और सब भी उससे बोलते हो आपने कर दिया, देखो आपसे हो गया, सब उसकी प्रशंसा करते हैं, चर्चा करते हैं उससे, मिलते हैं जुलते हैं, एक विशेष होता है माहौल। ये स्पर्धा विहवेशु स्पर्धा स्थल में मैं वर्चस्वी हो जाऊं, अच्छा बनूं। तो अब ये मम शब्द है ऋत्विक बोल रहा है, तो इसमें क्या होना चाहिए, तो पूर्व पक्षी का कहना है कि ऋत्विक को ही इसके लिए होना चाहिए, ऋत्विक के लिए फल यहां पर होगा। इस पर सिद्धांती कहता है 26वां सूत्र, स्वामी नोवा तदर्थत्वात्, बोले ये स्वामी के लिए होगा क्योंकि ऋत्विक भी तदर्थ है यानी स्वामी के लिए है। भाष्य यजमानस्य वा वचनम तदर्थत्वात् कर्मणः, ये यजमान का होना चाहिए क्योंकि कर्म के कर्म उसके लिए होता है, ऋत्विक भी उसके लिए, तो ऋत्विक कर्म के लिए और कर्म यजमान के लिए, इसलिए यजमानार्थम ही इदम कर्म सांगम, ये जो सांग अंग सहित जो कर्म है पूरा का पूरा यजमान के लिए है। उपग्रह विशेषात सांगस्य अस्य प्रयोजनम यजमानस्य फल निष्पत्ति, उपग्रह के विशेष के होने से, उपग्रह का विशेष का मतलब है आत्मनेपथ, क्योंकि यहाँ दर्शपूर्ण मासाभ्याम यजेत स्वर्ग कामा, इसमें यजेत इसमें आत्मनेपद है, इसकी दृष्टि से ये कह रहे हैं उपग्रह, उपग्रह आत्मनेपद प्रश्मीपद को कहते हैं। तो सांगस्य अस्य प्रयोजनम, अंग सहित इस कर्म का प्रयोजन यजमान के फल की निष्पत्ति है, यजमान से फल निष्पत्ति ही, यहाँ अल्प विराम लगा लीजिए। नाध्वर्यो सुप्रचरितुरपि यशः, नाध्वर्यो के बाद में जो अल्प विराम है वो काट दीजिए, तो यजमान से फल निष्पत्ति, न अध्वर्यो सुप्रचरितुरपि यशः, सुप्रचरितुरपि अध्वर्यो, अच्छी प्रकार से क्रियाशील अध्वर्यु का भी यश यहां पर प्रयोजन नहीं है, है? नहीं, वहां पर भले ही हो, अस्य अनुसार ने वो भविष्य की गृह्णाति पूर्वम अग्निम गृह्णाति, अग्नि का अग्नि को ग्रहण करता है, अग्नि को प्रज्वलित करता है, नहीं ये कौन करता है, ये ऋत्विक करता है, तो वो दूसरे के लिए करता है। हाँ ठीक है, ठीक है, मतलब आप गृह्णाति को परस्मैपद कह रहे हो ना, ले सकते हैं, लेकिन ये खासतौर से फल के लिए कहा जा रहा है ना, जहां पर फल है, ठीक है, उससे भी ले सकते हैं, वहां भी परस्मई पद है और यहां आत्मनिपद है, दोनों दृष्टियों से ये यजमान के पास ही जाएगा। किमतो यद्देवम, इससे क्या होगा, उत्तर देते हैं, फल संकीर्तनात् फल कर्तव्यता गम्यते, फल के संकीर्तन से फल की कर्तव्यता, कि फल हमें प्राप्त करना है, कर्तव्य है फल की प्राप्ति, ये वहां पर जाना जाता है, ये मुख्य है। तदेतद् अग्न्यन्वाधानम, अग्न्यन्वाधानम, ये जो अग्नि का अनुवाधान है वहां पर, जो फिर से उसको प्रज्वलित करना है, ये यजमानस्य फल संकीर्तने क्रियमाणे, यजमान से संबंधित फल संकीर्तन के किए जाने पर, अनेन मंत्रेण फल संबंधात, इस मंत्र के द्वारा फल के साथ संबंध होने से प्रकाशितम कृतम भवति, वो प्रकाशित हो जाता है, ये जो अग्न्यन्वाधान है इसकी सार्थकता उभर करके आ जाती है, हाँ ये इसलिए किया जा रहा है, इस फल के लिए किया जा रहा है। तो प्रकाशितम कृतम भवति का मतलब है प्रकाशितम किम, अग्न्यन्वाधानम प्रकाशितम कृतम भवति, वहां से जोड़ेंगे। न अध्वर्यु यशः कीर्तनेन, अध्वर्यु के यश के कीर्तन से अग्न्यन्वाधान प्रकाशित नहीं होता है, अध्वर्यु का यश बढ़ गया इससे अग्न्यन्वाधान प्रकाशित नहीं होगा, क्योंकि वह फल की प्राप्ति नहीं, यजमान के को जो फल मिलने वाला है उसकी प्राप्ति होने पर यह प्रशंसित होता है, प्रकाशित होता है। तस्मात यजमान फलम आशासितव्यमिति, इसलिए फल यजमान के फल की आशा या कामना की जानी चाहिए, उसको समझना चाहिए। अब देखिए मम शब्द के आने पर भी, इतना स्पष्ट मम शब्द आ गया है उसके बाद भी ये तात्पर्य लिया जाता है, अर्थ नित्य परीक्षेता,
अर्थ की वहां संगति लगानी होती है। मम का मतलब क्या है यहां पर, पूर्व पक्षी कह रहे हैं अथ कस्मान न यजमान ऐसा मंत्रो भवती इति याजमाना, बोले ये मंत्र यजमान का ही संबंधित क्यों ना हो जाए, कि यजमान ही उसको बोल दे। तो उच्चते अग्निन्वाधानम समाख्याया अध्वर्यवम, क्योंकि अग्निन्वाधान ये कर्म अध्वर्यव है, अध्वर्यु का कर्म है, इसलिए उस कर्म से संबंधित जो मंत्र है जो कि उसका साधन है अंग है वो भी अध्वर्यव ही होगा, वो याजमान नहीं हो सकता। तच्च एवं गुणो मंत्र करोति अध्वर्यवम स उच्यते अनेन मंत्रेण इति। तो इस प्रकार से गुणो मंत्र गुण रूप जो मंत्र है, क्योंकि अग्नि को प्रज्वलित करने में मंत्र बोला जा रहा है तो मंत्र वहां पर साधन है, गुण है, तो गुण रूप जो मंत्र है वो अध्वर्यवम करोति, अध्वर्यु के कर्म को कर रहा है। स उच्यते अनेन मंत्रेण इति, तो इस मंत्र के द्वारा वही कहा जा रहा है। तस्मात् अध्वर्यवो मंत्र, मंत्र भी अध्वर्यु के द्वारा ही होगा। मतलब ये यजमान को इसने इसलिए कहना चाहा कि इस मंत्र को यजमान क्यों कह दें, ताकि मम की संगति लग जाएगी, मम की संगति लग जाएगी, यजमान के लिए ही मम शब्द सार्थक हो जाएगा, इसलिए इसको यजमान हम मान लें तो, अगर नहीं तो मम वर्चो अस्तु इत्यपि यजमानस्य वर्चो मम इति व्यपदिश्यति लक्षणाया। बोले ये जो मम वर्चो अस्तु, ये जो वचन है यह भी यजमान की ही वर्च को कहता है। कैसे, मम इति व्यपदिश, इसमें जो मम शब्द है ये यजमान के ही वर्च को कहता है लक्षणा से, अभिदा से तो वो अध्वर्यु के कहेगा लेकिन लक्षणा से यजमान को ही कहेगा। यथा राजनी जयम वर्तमानम सैनिका अस्माकम इति व्यपदिश्यन्ति एवं, जिस प्रकार से राजा में जय के होते हुए भी सैनिक ये लोग कहते हैं कि हमारी विजय हो गई, मेरी विजय हो गई, इस दृष्टि से इसी तरह से यहां भी समझना चाहिए। ये मंत्रों के विनियोग के बारे में युधिष्ठिर जी ने यहां पर विस्तार से लिखा है, तो उसको भी देख सकते हैं, पहले भी इन्होंने इस बात को लिखा है। वैसे तो उसी मंत्र को ठीक माना जाता है जो कि जो कर्म किया जा रहा है उसी को जब ऋचा कहती है ये संगत है, पूरा वाक्य पूरा मंत्र उसको कह रहा हो या कोई शब्द कह रहा हो, और बाद में चल करके इन्होंने एक एक वर्ण की समानता से भी विनियोग कर दिया है जो कि बहुत ही अति हो गई है, जिसका यहां पर इन्होंने खंडन भी किया है। अगला सूत्र 27वां, सिद्धांती ही कह रहा है लिंग दर्शनाच, इसमें लिंग की भी का भी समर्थन मिल रहा है। कैसे, लिंगम अपि अमुम अर्थम दर्शयति एवं ही आह, क्योंकि वहां वचन मिलता है याम वही कांचन ऋत्विज आशीषम आशासते यजमानस्यैव सा इति आशीषो यजमानार्थकताम दर्शयति। तो जिस किसी भी कामना की ऋत्विक आशा करते हैं, इच्छा करते हैं, वो यजमान की ही इच्छा होती है, यजमान के लिए ही किया जाता है, जो भी कामना रखेगा वो यजमान के लिए ही होगा। तो इस प्रकार से यजमानार्थकता इससे पता लगती है। यद्यपि ये सामान्य रूप से कहा गया है, इस विशेष के लिए नहीं कहा गया, लेकिन सामान्य रूप से कहना ही ये यहाँ पर लिंग है, यहाँ पर भी उसी के लिए होगा। तस्मादपि ब्रूमो यजमान फलम आशासितव्यमिति, इस आधार पर भी हम कहते हैं यजमान के फल की कामना यहाँ पर समझनी चाहिए। पक्षोक्तम एव प्रयोजनमिति, तो एक पक्ष में इसकी सिद्धि के लिए यहाँ पर बात रखी गई है, इसको वर्चो न्याय भी कहा है। नीचे लिखा है इन्होंने कर्ण मंत्रेषु स्वामी फलस्य आशासितव्यताधिकरणम्। आगे देखिए, तो ये तो एक इन्होंने सामान्य नियम बना दिया, अब इसमें कुछ जो विशेषता है उसको अगले अधिकरणों में बता रहे हैं। 14वां अधिकरण, कर्ण मंत्रेषु कर्मार्थ फलस्य ऋत्विक धर्मताधिकरणम्। कर्ण मंत्रों में कर्म का जो अर्थ है, प्रयोजन है, उस फल की ऋत्विक धर्मताधिकरण, उससे ऋत्विक का धर्म बनता है, यानी उसका वो ऋत्विक से जुड़ जाकर के जुड़ेगा। पीछे भी इन्होंने कहा था यजमान से जाकर के जुड़ेगा, लेकिन ये अपवाद रूप बीच की छोटी छोटी चीजें हैं वो ऋत्विक के साथ भी जुड़ती हैं, वो भी समझना चाहिए। भाष्य, इदम समधिगतम, ये हमने समझ लिया कि कर्णेषु मंत्रेषु स्वामी ने फल आशासितव्यमिति, पिछला अधिकरण जो था, किम एष एव उत्सर्ग, क्या यही नियम है और बस उत्सर्ग ही उत्सर्ग है, इसमें कोई अपवाद नहीं है? तो न इत्याह, सिद्धांती कहता है 28वां सूत्र, कर्मार्थं तु फलम तेषाम,
अल्प विराम स्वामिनम प्रत्यर्थवत्वात् प्रत्यर्थवत्वात् स्वामिनम प्रत्यर्थवत्वात् हाँ स्वामिनम प्रति अर्थवत्वात् ठीक है स्वामी के प्रति इसके सार्थक होने से कि कर्म का जो फल है कर्मार्थ है कर्म की सिद्धि के लिए जो फल है वो तेषाम ऋत्विजाम ऋत्विजों का भी होता है क्योंकि ऋत्विक भी स्वामी के प्रति ही सार्थक होता है भाष्य हाँ ये सिद्धांति का सूत्र है सिद्धांति का है क्वचित ऋत्विजाम अपि फलम आशासितव्यमिति कहीं पर ऋत्विजों के भी फल का कथन होता है यत्र कर्मार्थम फलम जहां वो फल कर्म के लिए होता हो यानी कर्म की श्रेष्ठता के लिए कोई फल वहां पर कहा जा रहा हो तो वो ऋत्विक में होगा ताकि ऋत्विक उस फल से उस गुण से युक्त तो होता हुआ कर्म को अच्छी तरह से करे ताकि फल की प्राप्ति ठीक तरह हो सके तो यत्र कर्मार्थम फलम यथा अग्ना विष्णु मा वाम अक्रमिशम अल्पविराम यह विजयाथाम अल्पविराम मामा संताप्तम तो अग्ना विष्णु अग्नि और विष्णु ये दो देवता हैं उनको कह रहे हैं कि हे देवो मा वाम अक्रमिशम मैं आप दोनों के मैं आपका अतिक्रमण न करूं मैं आपका आप दोनों का अतिक्रमण नहीं करूं आपसे बढ़ करके नहीं हूं एक बात और विजयाथाम और आप अलग अलग हो जाइए मेरे को जाने के लिए अलग अलग हो जाइए थोड़ा एक तरफ हो जाइए इस तरह से विजयाथाम मामा संताप्तम मेरे को आप संतप्त ना करें तो असंतप्तो अध्वर्यु कर्म शक्नोति कर्तुम अगर अध्वर्यु असंतप्त है तो कर्म को कर सकता है अगर इन देवताओं के कारण संतप्त हो गया तो कर्म नहीं कर पाएगा कर्म सिद्धिर यजमानसे उपकारिका इति और ये कर्म की सिद्धि में समर्थ होता है कर्म की सिद्धि यजमान की उपकारिका है ऋत्विक फलम आशासितव्यम अत्र इति इस कारण से यहाँ ऋत्विक के फल की कामना की जानी चाहिए वो की जाती है इसमें दोष नहीं है इसमें देखिए हिंदी में इन्होंने जो लिखा है मैं आपका अतिक्रमण न करूं मुझे मध्य से जाने के लिए वियुक्त पृथक होवे यानी थोड़ा और दूर हो जाए कोई रास्ता नहीं है और दो जने बात कर रहे हैं तो निकटता से बात कर रहे हैं अब उसमें कोई चलता चलता दोनों के बीच से निकल करके जाए इधर उधर जगह नहीं हो या तो और कोई नहीं हो तो या तो वो दोनों थोड़े थोड़े दूर हो जाएं रास्ता दे दें कि भाई हाँ ठीक है आप निकल जाओ रास्ता दे दिया मतलब थोड़े हट जाते हैं और कहें कि निकल जाओ लेकिन अगर उन्होंने रास्ता नहीं दिया और वैसे ही वो बीच में से निकल करके जा रहा है तो वो गलत है व्यवहार के विपरीत है दो लोगों के बातचीत करते हुए कि बीच में से यूँ निकल के नहीं जाना चाहिए जहाँ तक हो सके कोई अपवाद है भीड़ है उन स्थलों पर फिर भी चल जाता है लेकिन व्यवहार में परिचितों के बीच में जाना ठीक नहीं बगल से घूम के जाना चाहिए आगे व्यपदेशाच कथन भी मिलता है निर्देश से भी यही सिद्ध होता है कि ऋत्विक के फल की आशंका की जाती है यत्र च व्यपदेशो भवति तत्र आर्तिजम जहां स्पष्ट कथन मिल जाता है वहां ऋत्विक से संबंधित कर समझना चाहिए नहीं तो यजमान का ही है उदाहरण दे रहे हैं दक्षिणस्य हविर्धानस्य अधस्तात् चत्वार उप्रवाह प्रादेश मुखा प्रादेशांतराला तो दक्षिण हविर्धान के तो इसमें वहां पर दो हविर्धान शकट होते हैं एक उत्तर की तरफ होता है और एक दक्षिण की तरफ होता है तो उसमें जो दक्षिण वाला है जहां सोम रखा जाता है वहां पर उसके नीचे चार उपरव नाम के प्रादेश मुखा प्रादेश मतलब जो 8-10 अंगुल बनेगा ये प्रादेश मात्र इतना कहलाता है अंगूठे से यहां तक का ये प्रादेश मात्र ये वाला ये प्रादेश मात्र हो गया तो इतनी दूरी तक इसका मुख होना चाहिए प्रादेश का मुख होना चाहिए और प्रादेशांतराला और उन उपरोगों के बीच में भी इतनी इतनी दूरी होनी चाहिए आपस में भी तत्र हस्तौ प्रवेश्य अध्वर्यो यजमानम आह और वो अंदर छिद्र करते हैं और बिल है वो आपस में मिला देते हैं अंदर ही अंदर से तो उसमें हाथ को अंदर प्रवेश करते हैं तो अध्वर्यो यजमान को बोलता है कि मत्र इति यहाँ क्या है अंदर हाथ डाल रखे दोनों ने हाथ मिला भी लेते अंदर हाथ मिला लेते तो पूछा कि अंदर क्या है
हाथ मिलाने में क्या है? तो सा आह, यजमान बोलता है भद्रम, कल्याण है इसमें। तो उसमें अध्वर्यु कहता है तन्नौ सह इति अध्वर्यु प्रत्याह इति। अध्वर्यु क्या बोलता है? वो हम दोनों का साथ साथ होवे, यानी कल्याण किसका होवे? हम दोनों का होवे। इति व्यपदेशो भवति अध्वर्योर यजमानस्य च। इस प्रकार अध्वर्यु और यजमान दोनों का कथन हो गया। और तन्नौ सह इति उभयोर वचनम अध्वर्योर यजमानयो। तो तन्नौ सह, वो हम दोनों का साथ साथ हो, ये दोनों का जो वचन है ये अध्वर्यु और यजमान का है। तस्मात् अध्वर्योर फलम आशासितव्यम अत्र इति। इसलिए अध्वर्यु के फल की आशंसा करनी चाहिए, उसको भी यहां पर समझना चाहिए। इसके अंदर एक तो हाथ कहां मिलाया? अंदर। दूसरों को पता नहीं लगे अंदर हाथ मिला रखा है। तो कई बार ऐसी स्थिति होती है कि मित्रता को दूसरों को बताना नहीं होता है ये दोनों मिले हुए, और पता लग जाता है। बाहर से तो सामान्य रहेंगे, वैसे मिले हुए रहते हैं, तो राजनीति में, युद्ध में कौन कौन से देश हैं, अंदर ही अंदर इनमें मित्रता होती है इत्यादि। तो उसमें कल्याण किसका होगा? दोनों का कल्याण होगा। पहली बार तो ये है, दूसरी बार उल्टा करके किया हुआ है। इसमें विवरण में भी लिखा है इन्होंने विशेष में, इसमें तो अध्वर्यु ने पूछा था कि क्या देख रहे हो, तो बोले कल्याण है। तो अध्वर्यु ने कहा कि हम दोनों का होगा। फिर दूसरे में अध्वर्यु पूछता है यजमान से कि क्या देखते हो, यजमान नहीं, यजमान पूछता है अध्वर्यु से कि क्या देखते हो, तो उसने कहा कि कल्याण। तो कहता है कि मेरा ही हो। अब दोनों का नहीं होगा, वो एक बार में हो गया उसका जो हो रहा था, मुख्य तो यजमान का ही है। आगे 15वां अधिकरण, द्रव्य संस्कार से अंग प्रधानार्थता अधिकरणम। द्रव्यों का जो संस्कार किया जाता है, तरह तरह के संस्कार कर जाते हैं, तो वो संस्कार अंग और प्रधान दोनों कर्मों के लिए होंगे। उन द्रव्यों का संस्कार, यानी वो द्रव्य प्रधान में भी काम आ रहे हैं, अंग में भी काम में आ रहे हैं, तो दोनों के लिए ही वो धर्म लागू होंगे। द्रव्य संस्कार से अंग प्रधानार्थता अधिकरणम। भाष्य, दश पूर्णमास और बरही धर्मा वेदी धर्माश्च। दश पूर्णमास में बरही के धर्म उत्तीर्ण होता है उसके, और वेदी के धर्म भी बताए गए, उनमें ये करना चाहिए, उनमें ये करना चाहिए। तेषु संदेह किम अंग प्रधानार्था उत प्रधानार्था इति। ये जो धर्म है उन द्रव्यों के संस्कार कब करने चाहिए? केवल तब जब उनका प्रयोग प्रधान कर्म के लिए किया जा रहा हो, एक पक्ष। दूसरा पक्ष है कि वो सारे धर्म उनमें तब भी किए जाने चाहिए जब उनसे अंग कर्म किया जा रहा हो। तो पूर्व पक्षी कहता है प्रकरणात् प्रधानार्था इति। प्रकरण तो प्रधान कर्म का चल रहा है, इसलिए प्रधान कर्म से संबंधित जब ये द्रव्य हो तभी संस्कार किए जाने चाहिए। इति प्राप्ते उच्यते। उत्तर दे रहे सिद्धांति का सूत्र है, द्रव्य संस्कार है प्रकरण अविशेषात सर्वकर्मणाम। ये जो द्रव्यों का संस्कार है ये प्रकरण के अविशेष होने से, यहाँ कोई प्रधान और अंग का ऐसा कोई कर्म लेकर के विशेष प्रकरण नहीं है, इसलिए सर्वकर्मणाम सभी कर्मों के हो जाए। तो नैवम यानी केवल प्रधान के हों ऐसा नहीं है। द्रव्य संस्कारो अंग प्रधानार्थो यथा व्याख्यातम एव उत्तर विवक्षया। एवोत्तर विक्षा और कर लीजिए, यथा व्याख्यातम, जैसा कि पहले कहा गया है। ये 3-7-1 में प्रारंभ में वहाँ पर वेदी बहिर् न्याय, वेदी बहिर् धर्म न्याय करके जो था वो सभी के लिए लागू होता है, वो वहाँ पर कह दिया गया है। लेकिन उत्तर विवक्षाया प्राप्ति रेशा क्रियते, लेकिन आगे प्रसंग चलाना है इसलिए उसको फिर से प्राप्त कराया है, यहाँ पर सबके लिए होता है। तो द्रव्य संस्कार से अंग प्रधानार्थता अधिकरणम, वहां पर भी सिद्ध था, वहीं पहले सिद्ध हो चुका था कि ये जो धर्म है ये अंग और प्रधान दोनों कर्मों पे लागू होंगे। अगला अधिकरण 16वां, अपूर्व प्राकृत धर्माणाम। ये प्राकृत और धर्माणाम को इसका सिर एक कर लीजिए, समझते हैं। अपूर्व प्राकृत धर्माणाम विकृतौ असंबंधाधिकरणम। विकृतौ असंबंधाधिकरणम, तो अपूर्व प्राकृत जो धर्म है, प्रकृति में जो धर्म कहे गए थे पहले, उनका विकृति में असंबंध होने का अधिकरण है। विकृति में वो धर्म नहीं लगेंगे,
क्यों नहीं लगेंगे, कब लगेंगे कब नहीं लगेंगे, उसकी विवेचना इस अधिकरण में है। सामान्यतया तो क्या होना चाहिए, अतिदेश से विकृति में भी आने चाहिए, लेकिन ये निषेध कर रहे हैं कि विकृति में नहीं आएंगे। वो कौन से नहीं आएंगे, कुछ नहीं आएंगे, कुछ जगह पे नहीं आएंगे। तो ज्योतिष्टों में पशु अग्निशोमी है, ज्योतिष्टों में अग्निशोमी पशु है, उसके लिए वचन है यो दीक्षितो यद अग्निशोमियम पशुम आलभते इति। तत्र श्रूयते, उसमें ये वचन मिल रहा है, बरहिषा यूपावटम अवस्त्रणाति आच्येन यूपम अनक्ति। तो बरही के द्वारा यूपावट को ढकता है, यूप को जिस जगह पर गाढ़ते हैं, गड्ढा जो करते हैं, उसको बरही के द्वारा ढका जाता है तिनकों के द्वारा। तो एक हो गया, दूसरा आज्येन यूपम अनक्ति, घृत के द्वारा यूप को लिप्त करता है, यानी उस पर घी चुपड़ता है, उसको मालिश उसमें लपेटता है, उसको लगाता है। इति तत्र संचय किम तयोः आज्य बर्हिशोः आज्य धर्म आज्य बर्हिर्धर्मा प्राकृता कर्तव्या उतना इति। अब इसमें आज्य और बर्ही के जो आज्य और बर्ही धर्म है, वो जो प्रकृत हैं, वो करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। अर्थात प्रकृति में तो ये किए जाते हैं, प्रकृति में तो किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर किए जाने चाहिए या नहीं किए जाने चाहिए। किम प्राप्तम, तो पूर्व पक्षी कहता है कर्तव्यायति, कुतः वाक्यम ही बर्हिर्मात्रस्य आज्यमात्रस्य च धर्माणाम विधायकम। जो बर्ही है, ये बर्ही और आज्यम, इनके सबके ये जो वाक्य है, यानी बर्हिषा यूपावटम अवस्त्रणाति आज्येन यूपम अनक्ति, ये जो कार्य हैं ये पशुरग्निशोमीय में किए गए हैं, पशुरग्निशोमीय में ये कार्य किए गए हैं। तो इन कार्यों के करते समय जो बरही का प्रयोग किया गया या इसके समय जो आज्य का प्रयोग किया गया, इनके भी वही संस्कार होंगे जो प्रकृति में होते हैं। तो पूर्व पक्षी ने कहा करने चाहिए, क्यों, क्योंकि ये जो वाक्य हैं, वहां जो धर्म को संस्कार को करने वाले वाक्य हैं, वो बरही मात्र के लिए कहे गए हैं। और बरही का कहीं भी प्रयोग हो, वहां मूल के अंदर तो बरही को बिछाया जाता है, उसके ऊपर पात्र रखे जाते हैं, जूहू आदि पात्र वहां पर रखे जाते हैं, बरही का वहां पर वो प्रयोजन है, उन बरही का संस्कार किया जाता है। यहां पर बरही से यूपावट को ढका जा रहा है, उद्देश्य कर्म अलग अलग है इस दृष्टि से। तो पूर्व पक्षी कह रहा है करना चाहिए, क्योंकि वाक्य जो है वो तो बरही मात्र के और राज्य मात्र के धर्मों का विधायक है। उसने ये थोड़ा ना कहा कि इन कर्मों को करते समय जो बरही ली जाए तो संस्कार होना चाहिए, इन कर्मों को करते समय जो आज्य लिया जाए उसी का संस्कार किया जाए। बस आज्य का संस्कार होना चाहिए, बरही का संस्कार होना चाहिए केवल, वहां तो ये सामान्य कथन है। तद इहापि वाक्यम चोदकेन प्राप्तम, तो और वो वाक्य यहां पर भी प्राप्त है अतिदेश से, न चै तद बरही राज्यम निष्प्रयोजनम, और ये जो बरही और राज्य ये निष्प्रयोजन भी नहीं है। कोई ये कहे कि भाई वो वहां वाले धर्म प्रकृति के धर्म यहां बरही और राज्य में नहीं आएंगे, क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि यहां जो बरही और राज्य है ये कोई सार्थक नहीं है, प्रयोजनहीन है, इसलिए वो धर्म क्यों किए जाए यहां पर। तो बोले ये निरर्थक भी नहीं है, क्योंकि वो यूपावट को, वो यूप से जुड़ा हुआ है और यूप फिर याग से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही यहां पर यूपावट है और यूप भी है, उस पर घृत लगाया जा रहा है, तो वो कुल मिलाकर के प्रधान से जुड़े हुए हैं, तो वहां उसकी सार्थकता है, तो निष्प्रयोजन भी नहीं है। न चाहिए तद बरही राज्यम निष्प्रयोजनम, तस्माद अत्र धर्मा क्रियेरन इति, इसलिए वो धर्म यहां भी किए जाने चाहिए। एवं प्राप्ते ब्रूमा, सिद्धांत के अनुसार ये जुड़ने नहीं चाहिए, यहां नहीं किए जाने चाहिए। यूपावट का को जो ढकता है बरही के द्वारा और यूप को लिप्त करता है घृत के द्वारा, इस समय में जो घृत और बरही प्रयोग किए जा रहे हैं उनको इनके धर्मों का से युक्त नहीं करना चाहिए, आवश्यक नहीं है, ये सिद्धांति का मत है। तो अपने पक्ष को रख रहा है 31वां सूत्र सिद्धांति का। निर्देशात्तु विकृताव पूर्वस्य अनधिकार, विकृताव ता के बाद में वह जोड़ लीजिए, विकृतौ अपूर्वस्य अनधिकार। निर्देश के कारण, निर्देश मतलब अतिदेश, चोदक वचन के कारण विकृति में अपूर्व का अनधिकार है।
अपूर्व का मतलब हो गया अपूर्व, जो प्रकृति के अंदर जो लिया गया था उसका विकृति में अधिकार नहीं होता है अधिदेश वाक्य से। कैसे नहीं होगा बताएंगे, निर्दिष्टा एते धर्मा प्रकृतौ, ये जो धर्म है ये प्रकृति में कहे गए थे, यत्र प्रधानस्य उपकुर्वन्ती, जहां पर कि ये धर्म प्रधान का उपकार कर रहे थे, ये धर्म उस जगह पे कहे गए थे बरही और राज्य के, जहां बरही और राज्य प्रधान कर्म का उपकार कर रहे। प्राकृत कार्ययो हो आज्य बरहिशो हो, यानी प्राकृत जो आज्य और बरही के कार्य उनमें, ये च प्रधानस्य उपकारिनो धर्मा ते इह अतिदिश्यन्ते, वहां जो प्रधान के उपकारक धर्म है वे ही यहां पर अतिदिष्ट किए जाएंगे। प्रधानम ही चोदको अपेक्षते, चोदक प्रधान की अपेक्षा करता है, अतिदेश वचन प्रधान की अपेक्षा करता है, न धर्मान, धर्मों की अपेक्षा नहीं करता है। वो प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए तो प्रकृति क्या है, वो प्रकृति वो प्रधान है कर्म, वो प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए, तो ये प्रधान के साथ में वाक्य का सामंजस्य है। प्रधान से ही चोदके न सामान्यम न धर्माणाम, इस वाक्य के साथ में प्रधान का साम्य है, तालमेल है, न कि धर्मों का, प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए। अब इसमें हम प्रथम दृष्टया यूं भी ले लेते हैं ना कि प्रकृति में जो धर्म कहे गए हैं वो विकृति में भी आने चाहिए, लेकिन ये वाक्य सीधे सीधे धर्मों को नहीं कह रहा है, प्रकृति के समान विकृति करनी चाहिए। प्रकृति मतलब वो प्रधान कर्म हो गया, विकृति मतलब ये भी एक प्रधान कर्म हो गया, प्रकृति वाला प्रधान कर्म के, प्रकृति वाले प्रधान कर्म के समान विकृति वाला प्रधान कर्म करना चाहिए। अब इस वचन को बोलते हुए भी धर्म ही तो वहां से यहां आते हैं, क्या 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 किया जाना चाहिए, तो उसमें प्रधान और अंग सभी चीजें आती हैं। तो लेकिन वचन जो कह रहा है सीधे सीधे प्रधान को कह रहा है, धर्मों को नहीं कह रहा है, इसलिए सीधे सीधे धर्मों का अतिदेश नहीं होता है। तो प्रधान से ही चोदकेन सामान्यम न धर्माणाम अपिचा, और दूसरी बात कह रहे हैं, न अन्यार्थ इति ज्ञातेन सन्निहितेन अपि एक वाक्यता भवति। अन्यार्थ इति ये अन्य प्रयोजन वाला है, ऐसा जान लेने पर ज्ञातेन, तो सन्निहित के द्वारा, सन्निहित के साथ भी एक वाक्यता न भवति, न को यहां लाके के जोड़ लेंगे, न भवति। अन्य संबंधोपपत्तौ सत्याम, अन्य के साथ संबंध की सिद्धि होने पर उसके साथ में इसका संबंध नहीं होता है, भले ही वो सन्निहित हो। उदाहरण दिया, यथा भार्या राज्य है पुरुषो देवदत्तस्य इति, तो इसमें राज्य है और पुरुष है इनके बीच में बात है। वैसे तो राज्य है पुरुष है अलग से लिखते हैं तो राज्य पुरुष है हम कर लेते हैं, क्योंकि आपस में अपेक्षा साकांक्ष होते हैं और समास हो जाता है, समर्थ हो जाते हैं ये। लेकिन भार्या राज्य, राज्य के पास में जब भार्या शब्द पड़ा हुआ है तो राजा की पत्नी, अब ये राज्य है भार्या से जुड़ गया है, और पुरुषो देवदत्त से, ये पुरुष देवदत्त का है, पुरुष शब्द देवदत्त से जुड़ गया है, इसलिए यहां पर राज्य है पुरुष में षष्ठी समास नहीं होता है, क्योंकि अन्य से प्रयोजन वाला वो हो गया, तो पास में होते हुए भी अब उनका समास नहीं होता है। इसी तरह से तो जब निकट वाले का ही नहीं जो होता, जब उसका प्रयोजन वो दूसरे से जुड़ा हुआ है तो निकट वाले का ही नहीं होता, कि मंग पुनर्विप्रकृष्ट है ना, हे अंग, हे प्रिय, व्यंग में भी बोलते हैं अंग, किमंग पुनर्विप्रकृष्ट है ना, दूर है उससे तो कहां से संबंध होगा, निकट का ही नहीं होता तो दूर से कहां से होगा। जब कभी व्यंग में ऐसे बोलते हैं ना तब भी बहुत बोलते हैं, जैसे आपने चर्चाएं सुनी होगी, चाहे तो संसद में सुन लीजिए, चाहे तो दूरदर्शन पर सुन लीजिए, या वैसे भी जब कभी शास्त्रार्थ हो जाता है या कुछ होता है तो एक दूसरे के प्रति आक्रोश भी आ रहा होता है, लेकिन उस समय ये शब्द बहुत पड़े, मेरे परम मित्र विद्वान ये कह रहे हैं, आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, मेरे भाई स्वरूप या मेरी बहन स्वरूप आपसे मैं ये बात कह रहा हूँ, ध्यान दीजिए, ये मेरे भाई हैं, बहन हैं, ये मेरे पितृतुल्य हैं, ये मेरे गुरुतुल्य हैं, ये मेरे शिष्य तुल्य हैं या प्रिय, ऐसे शब्दों का शिष्य तुल्य भी तो हो सकता है ना, अंग प्रियता के लिए, तब ऐसे शब्दों का प्रयोग अधिक होता है। जब अधिक आक्रोश आ रहा होता है ना तो ऐसे शब्दों का व्यक्ति फिर अधिक प्रयोग करता है उसको शांत करने के लिए, कैसे करे अब, तो शब्दों का प्रयोग करके अच्छे के लिए प्रयास कर रहा है वो,
और ऐसे में अंग, प्रिय, श्रीमान, ऐसे ऐसे शब्दों का अधिक प्रयोग होता है, आदर अधिक दिखाता है। तो इसलिए इसी संज्ञा का किम अंग पुनर्विप्रकृष्ट के ना, और ये काकुध्वनि से भी है, काकुध्वनि से भी होता है ना निषेधात्मक, उसमें जब निकट वालों का ही नहीं होता, जब संबंध दूसरे से जुड़ा है तो पास पास में रहते रहो तो भी आपस में संबंध नहीं होता है, तो दूर दूर हो तो फिर तो कहना ही क्या है, दूसरों से संबंध जुड़ा हुआ है और दूर दूर भी रह रहे हैं फिर कहां से संबंध होगा, निकट का ही नहीं होता, वो ही नहीं होता तो ये कहां से होगा। तो निर्जातम खलु अंगत्वम प्रधान अपेक्षायाम भवती, ये जो अंगत्व है ये प्रधान की अपेक्षा से होता है यह पता है। केवलम यह अतिदेश क्रियते, यहां केवल उसका अतिदेश किया जा रहा है, ये उसकी तरह से होंगे अंग प्रधान अंगत्व, उससे सब और कोई कथन नहीं है। पदार्थापेक्षायाम अंगत्वम अपि साधयितव्यम स्यात्, अगर यहां पर आप पदार्थ की अपेक्षा करेंगे, पदार्थ का मतलब है कर्म, तो फिर विकृति का अंगत्व भी वहां पर सिद्ध करना पड़ेगा। पदार्थापेक्षायाम अंगत्वम अपि साधयितव्यम स्यात्, ये गौरव होगा, ये भी आपको सिद्ध करना पड़ेगा जबकि आवश्यकता नहीं है। धर्माश्च अपेक्षमाना साधारणा भवेयुः, और जो धर्म की जिनकी अपेक्षा की जा रही है वो भी साधारण हो जाएंगे, यानी जैसे प्रकृति में है वैसे ही विकृति में होंगे, सारे के सारे आ जाएंगे। अगर धर्मों का ही अतिदेश करने लगेंगे तो सारे के सारे धर्म यहां जू के तू आ जाएंगे, और ऐसे में क्या होगा, तथा ऊहो नाव कल्पेता, ये भी अनिष्ट बताया जा रहा है, ऊह की कल्पना नहीं होगी, ऊह की फिर आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जब प्रकृति से ही सारे धर्म विकृति में आने हैं, मान लीजिए प्रकृति में एक देवता है तो एक देवता को मान करके कथन वचन दिया गया है, अब विकृति में आया वहां दो देवता है तो अब क्या करेंगे, प्रकृति के समान ही वहां जो का तू करेंगे तो सब जगह एक जैसा हो जाएगा, फिर ऊह की भी जरूरत नहीं है। प्रकृति के समान आता हुआ भी विकृति में जब एक की जगह दो देवता है तो वहां पर ऊह करके द्विवचन आदि का प्रयोग करके वहां परिवर्तन किया जाता है। तो ये जो दो चीजें हैं ना, साधही तव्यम स्यात, ये गौरव बताया जा रहा है यानी अनिष्ट है, तथा ऊहो नाव कल्पित है, ये भी अनिष्ट बताया जा रहा है, चाहते नहीं है कि ऊह की जरूरत नहीं हो, फिर तो ऊह की कोई प्रसंगता ही नहीं रहेगी, ऊह का कोई सार्थकता ही नहीं रह जाएगी। आगे लिंग विशेष दर्शनाच व्यवतिष्ठेरन धर्मः, तो इसमें सिद्धांति कह रहा है कि लिंग विशेष के दर्शन से ये धर्म व्यवस्थित हुए, यहीं पर आएंगे और यहां नहीं आएंगे। तत्र दर्शनम नोपपद्येता, इनका जो तात्पर्य है वो ये कि ये जो धर्म है वहां पर प्रकृति में प्रकृति के अंदर यहां पर यूप को लगाने के संदर्भ में नहीं कहे गए थे, और यूपावट के परिस्तरण के संदर्भ में वहां पर जो बरही प्रयोग किए गए थे वहां वो धर्म नहीं कहे गए थे। तो जिन कर्मों को करते हुए बरही अथवा आज्य के धर्म संस्कार वहां पर कहे गए थे, उन्हीं कर्मों को जब विकृति में करते हैं तब तो वो संस्कार सहित बरही और आज्य लिए जाएंगे। अब ये जो यूपावट को ढकना है या तो यूप को लगाना है तेल, ये प्रकृति में नहीं है कर्म, वहां पर प्रकृति में कर्म ही नहीं है, तो इसलिए यहां जब बरही और आज्य लिया जाएगा इसमें वो धर्म नहीं आएंगे, धर्म से संस्कार इतनी होगा, ये सीधे वैसे ही काम में ले लिए जाएंगे। तत्र दर्शनम नोपपद्येता, ये जो यहां पर कथन किए गए हैं वचन, यदि वो सारे के सारे धर्म आ जाएं और व्यवस्थित न हो तो ये वचन ही संगत नहीं होंगे। वपया प्रातः सवने चरन्ति, ये सवनीय के लिए कहा जा रहा है, सवनीय याग में प्रातः वपा से चरते हैं, वहां गमन करते हैं। पुरुडाशेन च, पुरुडाशेन माध्यम दिने सवने, और माध्यम दिन सवन में पुरुडाश से करते हैं इति, ये तो एक वचन हो गया। दूसरा, न पिता वर्धते न माता न नाभि प्राणो ही सह, इसमें न पिता बढ़ता है न माता बढ़ती है न नाभि, वो तो प्राण स्वरूप ही है इति। तो तस्मात यद द्वारा प्रकृतौ कृता तद द्वारा इव विकृतौ न अन्य द्वारा, तो इससे ये सिद्ध कर रहे हैं कि जिसके द्वारा प्रकृति में किए गए थे, यानी जिस उद्देश्य से बरही और आज्य वहां पर संस्कृत किए गए थे उसी के लिए, तद द्वारा ही वह विकृत हो, वही कर्म यदि विकृति में आए तो संस्कृत होंगे, नान्य द्वारा अन्य के द्वारा नहीं होंगे। अन्य क्या है, न च यूपावट स्तरणम प्रकृत अस्ति यूपांजनम च, यूपावट का स्तरण उसको ढकना और यूप का अंजन उस पर घृत लगाना
ये प्रकृतौ नास्ति, वहां प्रकृति में है ही नहीं। तस्मात् न तत्र प्राकृता धर्माः भवेयुः, धर्मा को अलग कर लेंगे, प्राकृता धर्मा प्राकृत धर्म भवेयुः अपूर्वत्वात्, तो वहां पर प्राकृत धर्म नहीं आएंगे क्योंकि ये अपूर्व है। इसके अंदर ये जो दो वचन दिए हैं ना, वपया प्रातः सवने चरंती पुरोडाशेन माध्यम दिने सवने, तो इसके अंदर उहु की परिकल्पना नहीं होगी यदि पूर्व पक्षी की बात मानी जाए तो। इसको युधिष्ठिर जी ने विवरण में दिया है कि ये पशु धर्म जो है अग्निशोमीय पशु याग के हैं, और सवनीय पशु में अग्निशोमीय से कर्मों का जो अगर अतिदेश होगा तो पशु धर्मों को समान विधान वाला मानने पर अग्नि और सोम दो देवता के लिए कहा गया पशु प्रोडाश अग्निशोमीय पशु का ही उपकारक होगा, और एक देवता वाले सवनीय पशु याग का उपकारक नहीं होने से सवनीय पशु याग में पशु पुरोडाश की प्राप्ति नहीं होगी। वहां जो दो देवता को लेकर के कहा गया था वो यहां एक देवता है, इसलिए तो यहां पर प्राप्त नहीं होगा। और पशु पुरोडाश प्रधान याग का उपकारक मानने पर ये सब और आगे इन्होंने लिखा है। दूसरा जो माता पिता के बढ़ने का है, बढ़ने का मतलब है कि वहां एक वचन में है तो यहां पर दो दो होने से द्विवचनांत होंगे, तो इस मंत्र में आए माता पिता भ्राता आदि शब्द नहीं बढ़ते, अर्थात दो पशुओं वाले याग में द्विवचनांत और बहुत पशु वाले याग में बहुवचनांत उहित नहीं होते, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां पर मना किया गया, न पिता वर्धते न माता न नाभि, इनके वचनों में वृद्धि नहीं होती है। तो ये जो निषेध किया जा रहा है वो इसलिए किया जा रहा है, इसका मतलब है प्रकृति से विकृति में जो आए हैं धर्म वहां पर वृद्धि को प्राप्त होंगे, उह प्राप्त हो रहा है। तो उह प्राप्त हो रहा है इसका मतलब है कि प्रकृति के वो धर्म जो कि तू यहां पर विकृति में नहीं आ रहे हैं, वो सारे किसी जो का तू, वह मंत्र जो एक वचन वाला है वो यहां द्विवचन में नहीं बोला जाएगा, वो जो का तू बोला जाएगा, जो का तू यहां निषेध के कारण से, और स्वभावतः वो उहू हो करके उसमें परिवर्तन हो करके बोला जा रहा है। अगर धर्म भी जो के तू अतिदिष्ट होंगे तो फिर उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो चूंकि यहां पर निषेध किया गया, इससे पता लगता है कि वो धर्म प्रकृति के धर्म यहां पर विकृति में नहीं आएंगे। यदि प्रधान कर्म है जिस उद्देश्य से वहां किए गए वही विकृति में है तब तो वो धर्म आएंगे, नया है तो ये धर्म प्राप्त नहीं हो। तो आज का पाठ इतना ही रखते हैं, प्रणाम। ओ सभी को साधारण अभिवादन, ओम शांति।